हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवेंटे टेन यूट्यूब चैनल। लेवेंटे टेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे काम के बारे में। ये तीन काम आप ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कर सकते हो जब कोई तुम्हें बिल्कुल भुला दे, मतलब कि जब कोई तुम्हें बिल्कुल याद ही ना रखना चाहे, आपको बिल्कुल ही भुला दे, आप उसके साथ रहना चाहो और वो इंसान आपको याद तक ना रखना चाहे, तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए, आप क्या करोगे। तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से गाइड करेगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल्स के बारे में बताएगा कि अब आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पहले काम के बारे में। तो पहला काम आपको करना है, पहला पॉइंट है, भूल जाओ उसे। अगर आपको किसी ने भुला दिया है तो विद इन एनी सेकेंड वेस्ट किए आप उसे भूल जाओ। ये करना आसान नहीं है, लेकिन उसके बिना जीना भी तो आसान नहीं होगा आपके लिए। अब ये दो चीज़ें कंट्रोडिक्ट नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ पर उसको भूलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसे पाना चाहते हो, क्योंकि टर्म आउट साइकोलॉजी डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। आप वो बातें मत ध्यान दीजिए, उन बातों पर जोर मत दीजिए जो रटी रटाई हैं, जो आपने सुना है अभी तक, कि आप जिसको जितना ज़्यादा याद करोगे वो आपको उतना ज़्यादा याद करेगा, आप जिसको जितना ज़्यादा प्यार करोगे वो आपको उतना ज़्यादा प्यार करेगा, आपको उतना ज़्यादा प्यार देगा। क्या ऐसा वाकई में होता है? नहीं। यहाँ पर ये सिर्फ रटी रटाई बातें हैं जो आपने अभी तक सुना है। आप उसे जितनी जल्दी भूलने की कोशिश करेंगे, आप उसे जितनी जल्दी भूलोगे वो आपको उतनी जल्दी याद करेगा, आपकी अप्रोच करेगा, आपको अप्रोच करेगा। तो ये मेरा पहला काम हो गया, पहला पॉइंट हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। दूसरा काम है जो आपको करना है, दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा पॉइंट है, उसे रिप्लेस करो किसी और से। अगर आपको किसी ने भुला दिया है, आपको किसी ने छोड़ दिया है, तो आप उसे रिप्लेस करो किसी और से। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आप वे आउट पैटर्न को जब समझते हो कि आपके दिमाग का काम करने का तरीका क्या है, आपकी फीलिंग्स किस तरीके से काम करती हैं, ये पूरा प्रोसेस एरिया आप देखते हो ये काम कैसे करता है। जब ये आपको जिस दिन समझ में आ गया, आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, चुटकियों में हल कर लोगे। देखो, होगा ये यहाँ पर कि जब आप किसी को रिप्लेस करोगे, उस इंसान की जगह पर किसी और को लेकर आओगे अपनी लाइफ में, ये एक्चुअल में भी हो सकता है और फेक तरीके से भी हो सकता है। झूठ मूठ में भी आप ऐसा नाटक कर सकते हो कि हमारी लाइफ में कोई और आ रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो इंसान अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए आएगा आपके पास, क्योंकि हमारे दिमाग की एक खासियत होती है, ये अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो ये एक इंसल्ट के फॉर्म में उस तक जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि वो इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता तो वो हमें अप्रोच क्यों करेगा? देखो, आपके दिमाग का 90-95% जो हिस्सा है, वो जो काम करता है आपको पता भी नहीं चलता। आपके डिसीजंस को किस तरीके से चेंज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी को हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो वो जो 95% का जो हिस्सा होता है, अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए उसको लेकर आएगा और उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप पहले उसके साथ इतना साथ रहे हो, इतना साथ रहे हो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए, और इसी वजह से वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएगा और आपके पास लौट के जरूर आएगा। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे मिलने जरूर आएगा, वो आपके पास आने से बिल्कुल बच ही नहीं सकता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की। तीसरा काम भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरा पॉइंट आपको समझाएगा भी और मोटिवेट भी करेगा। तो तीसरा काम है, यू हैव टू बेस इन दिस पार्टिकुलर सिचुएशंस। आपके पास दो रास्ते होते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में, जब कोई आपको भुला देता है, आपको छोड़ देता है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है उसे लेकर रोते रहो, दूसरा रास्ता है या फिर कुछ और करो। आपके पास ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में दो रास्ते बचते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा, मतलब अधिकतर केसेस में, अधिकतर लोगों में देखा ये गया है
कि लगभग 95% लोग जो होते हैं, लगभग 95% लोग वो ये पहला रास्ता चुनते हैं, वो पहला रास्ता चुन लेते हैं, वो उसे लेकर रोते रहते हैं, वो उसे लेकर रोते रहते अपनी एनर्जी सारी वेस्ट करते रहते हैं उसकी याद में, अपने आप को इतना डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि पागलपन वाली ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो ये पहला रास्ता अधिकतर 95% लोग चुन लेते हैं। यहाँ पर आप समझिए, आपके पास एक दूसरा रास्ता भी तो है, जो गया उसे जाने दो, आप दूसरा रास्ता भी तो, जो चला गया वो चला गया। यहाँ पर आप अपनी लाइफ के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपनी लाइफ पर ध्यान दे सकते हो, अपनी स्टडी पर ध्यान दे सकते हो, आगे आने वाले समय को एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। हालांकि ऐसा ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, नहीं करते, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन ये आप कर भी तो सकते हो। आप इधर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ बनेगी, आप जो स्टडी करते हो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसको आगे ग्रो कराओगे। जो इंसान चला गया वो तो चला गया ही, यहाँ पर यदि इस पर फोकस करोगे तो आपके साथ होगा क्या? देखिए, आपकी जो ज़िंदगी है वो चुनाव का हिस्सा है, आप जो चुनोगे, आपने जो चूज किया है वो आगे का डिसाइड करेगा कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर यदि आप पहले रास्ते पर जाते हो तो यहाँ पर आपकी आगे की लाइफ भी नहीं बनेगी, आपको वो सब कुछ जो मिलने वाला था वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप पहला रास्ता चूज करते हो तो वो इंसान आपके पास क्या आएगा, खाक आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अब तो कुछ भी नहीं बचता, वो इंसान था वो भी चला गया और आगे आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो इंसान आपके पास क्या आएगा, खाक आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप इसको ना चुनकर यहाँ पर दूसरे वाले रास्ते को चूज करते हो, जिसको जाना था चला गया, उसने आपको भुला दिया, और आप यहीं से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने लगते हो, आप एक अच्छी रास्ते पर चलने लगते हो, अच्छी लाइफ चूज करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी स्टडी, अपने करियर पर फोकस करने लगते हो, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलने वाला था। आप हर चीज़ हासिल करोगे और उसके साथ साथ वो इंसान भी आपके पास लौट कर आएगा जो आपको भूल गया था, जो आपकी लाइफ से चला गया था। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ पर ये ऐसे गलत रास्ते चूज नहीं करने चाहिए, आपको बस एक अच्छा रास्ता। जब वो आपको भुला देता है उसके बाद आप और कुछ भी तो कर सकते हो, तो ऐसी लाइफ चुने। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। इंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस ना ही, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।